हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन ब्यूटो के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े कुछ ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को आई बेट अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। बट स्टिल हो सकता है कि एक माइल्ड पॉसिबिलिटी हो कि आपको वो बातें पता हो, क्योंकि मेरे जैसे और भी कई सारे मार्वल के डाई हार्ड फैंस हैं और वो उनके डिटेल्स जानने में इतने उत्सुक रहते हैं कि वो उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं थॉर से, जहां बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि म्योनियर का जो हैंडल है वो किसी मेटल का बना हुआ है, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम कि जिस तरह स्टॉर्म ब्रेकर का जो हैंडल रहता है वो ग्रूट का हाथ से था, जो कि बेसिकली एक लकड़ी रहता है, एक वुड रहता है, उसी तरह म्योनियर का भी जो हैंडल है वो भी वुड का ही बना हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो म्योनियर का हैंडल है उसके आजू बाजू सिल्वर रिंग्स लगे हुए हैं। अब चलते हैं अगले डिटेल की ओर, जो कि हमें देखने को मिलता है आयरन पेट्रियट के सूट में, जहां पर यहां पर लिखा हुआ रहता है FF, जिसका मतलब है फर्स्ट फाइटर रिंग। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि रोड्स ने MCU के अंदर 138 कॉम्बैट मिशंस को अंजाम दिया है US एयरफोर्स के अंदर में रहकर। इसके अलावा क्या आपको मालूम था कि वॉर मशीन ने जो आर्मर पहना हुआ था सिविल वॉर मूवी के अंदर, वहां पे उनके पीछे में जो गन रहती है, जो कि मशीन गन रहती है, वो असल में डबल बैरल थी और उसकी फायरिंग कैपेसिटी है 6000 राउंड्स पर मिनट। इसके अलावा वो अगर पैर से किसी को किक मारते हैं तो उससे भी एक शॉक पल्स निकलता है। इस तरह के और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इस सूट के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड वॉर मशीन के ऊपर। वॉर मशीन का सूट तो टोनी अपग्रेड करता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सैम विल्सन का सूट किसने अपग्रेड किया था? क्योंकि विंटर सोल्जर मूवी के अंदर तो उसका वो XO7 डिस्ट्रॉय हो चुका था और विंटर सोल्जर में हमें डायरेक्ट रेडविंग देखने को मिला था, लेकिन इसे किसने बनाया था? मैं आपको रेडविंग का ऑफिशियल नेम बता देता हूँ, आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिएगा। तो रेडविंग का ऑफिशियल नेम है टार्क ड्रोन MK8292V80Z V2 प्रोटोटाइप यूनिट V6। अब मुझे समझ में आया कि सैम ने उसे रेडविंग नाम क्यों दिया था। ये अलग बात है कि कॉमिक्स के अंदर उसका एक ईगल हुआ करता था जिसे वो रेडविंग कहता था और उसे टेलीपैथिकली बात करता था, लेकिन यहाँ पर उसे टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। बट इतना बड़ा नाम बोलने से अच्छा है एक छोटा सा नाम दे दो जो उसने दिया, जिसका नाम उसने रेडविंग रखा। इनफैक्ट अगर आपको इस रेडविंग को लॉन्च करना होगा तो ये सिर्फ सैम के वॉइस से एक्टिवेट होगा और उसे कहना होगा रेडविंग लॉन्च। आई होप रेडविंग का ऑफिशियल नेम सुन के आप समझ ही गए होंगे कि उसे किसने अपग्रेड किया था। इसके अलावा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर आप लोगों ने जो अपग्रेडेशन देखा था कि कैप्टन के हाथ में कुछ मैग्नेटिक गियर्स लगे हुए थे जिसके वजह से वो शील्ड को अपने और खींच पा रहा था, इसके अलावा और भी अपग्रेड किए गए थे उनके कॉस्ट्यूम के अंदर, जैसे कि उनके हेलमेट में एवेंजर्स ट्रांसीवर लगा हुआ था जिसके मदद से वो एवेंजर्स के हर एक मेंबर से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, प्लस उनके सूट की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा उनके नी वाले एरिया के पास शॉक एब्जॉर्प्शन वाला नी पैड लगा दिया गया था जिसके मदद से वो अच्छे खासे जंप ले पा रहे थे। अब उनके यूटिलिटी बेल्ट में क्या है ये बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जो चीजें कंफर्म कर दी गई है मैं वो आपको बता देता हूँ। उनके यूटिलिटी बेल्ट में वोलोस्की 200 सैटेलाइट कम्युनिकेटर है, इसके अलावा उसमें मेडिकल किट है वुंडेड लोगों के लिए और कुछ फील्ड गियर्स जैसे कि ग्रैपलिंग हुक जिसे कैप्टन ने टोनी के ऊपर सिविल वॉर मूवी के अंदर यूज किया था। लोकी का जो हेलमेट में जो सिंग रहता है वो सिंबलाइज करता है उसकी सॉसरी यानी कि जादूगरी की, वो एक जादूगर है और वो जादू कर सकता है, जो कि हम लोगों ने देखा भी है। इसके अलावा जो कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर जिस पत्थर के ऊपर रखा हुआ रहता है उसका नाम पेडेस्टल ऑफ फिम्बल वेतर है और सीने में ये जो वी बना हुआ है ये भी एक इंसिग्निया है जो कि ग्रैंड मास्टर ने उसे दिया है, जो कि उसके ओहदे को दर्शाता है कि वो ग्रैंड मास्टर का एकदम करीबी है और खासम खास टाइप। एक चीज जो शायद मुझे आने की जरूरत नहीं है, जो कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि एस्गार्ड का वेदर हमेशा मस्त रहता है, वो कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर हमेशा स्प्रिंग टाइम का ही वेदर रहता है। हिमडाल का जो वो सोर्ड रहता है उसकी लंबाई करीब 1.6 मीटर यानी कि 5 फीट 4 इंच है। इसके अलावा थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर वो एक केप
पहनते हैं, जो कि असल में एक ओल्ड ब्लैंकेट है जो वो वेनाहैम से लाए हैं। और ये वेनाहैम वही जगह है जहाँ से होगन यानी कि थॉर का फ्रेंड बिलोंग करता है, जो कि हम लोगों को थॉर 2 द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर दिखाया गया था। इसके अलावा आप यहाँ पे एक पॉच देख सकते हैं जिसके अंदर वो टूल्स रखे गए हैं जिससे आग लगाया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो ब्रेसर्स वो पहने हुए दिखाए जाते हैं, ये कोई ऐसे वैसे ब्रेसर्स नहीं है बल्कि ड्रैगन लेदर ब्रेसर्स हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि अगर फ्रॉस्ट जायंट आपको छू दे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा? और यही चीज होने वाला था लोकी के भी साथ थॉर 1 मूवी के अंदर, लेकिन क्योंकि वो एक फ्रॉस्ट जायंट का बेटा है इसीलिए उसे वो चीज नहीं होती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये डिटेल्स बहुत ही माइन्यूट होते थे इसलिए मैं पहले के वीडियोस में से एक्सक्लूड कर देता था। तो क्या आप इस तरह के माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको बुरा लगा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और ये बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि इनमें से कितने फैक्ट्स आपको मालूम थे या फिर कितने आज आपको पता चले। चैनल पे नए हैं और ऐसे ही ऑसम फैक्ट जानना चाहते हैं एमसीयू के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। बाकी आपको तो हमारे चैनल का मोटो मालूम ही है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।